हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में नो सिग्नल का प्रॉब्लम आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर प्रॉब्लम सीपीयू से आता है, तो हम क्या करेंगे, सीपीयू को दो स्क्रू लगे हुए यहाँ पर बोल्ट, इसको हम खोल लेंगे। ये हमने बोल्ट खोल लिए, अब इसको आसानी से इस तरह से आप खींच लेंगे, ये खुल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। मदरबोर्ड की सारी केबल निकाल के आप यहाँ पर स्क्रू भी खोल लेना है, खोल के मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ये हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिए, अब इसको हम ऐसा साइड पर रख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये फैन को भी निकालेंगे, फैन को निकाल लेंगे। इधर आपकी रैम लगी रहेगी, रैम को भी निकाल लेना है। आसानी से ये रैम निकल जाती है। अब यहाँ पर आपको फैन निकाल लेना है, इसको भी आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसको निकाल के साइड पर रख देना है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसको आपको इस तरह से यहाँ पर खोलना है, इस तरह से यहाँ पर उठा लेना है। देखिए ये यहाँ पर, इसको थोड़ा 1-2 रुपए की ये रबड़ आती है, आपको इसको खरीद के लेके आ जाना है और इस तरह से इसको रगड़ देना है, अच्छी तरह से इसको साफ कर लेना है, इस तरह से इसको साफ कर लेना है। इसको साफ करके इस तरह से आपको बैठा देना है इसमें। अब इसको हम लगा देते हैं, इस तरह से लगा देना है। अब यहाँ पर हम फैन को भी यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने फैन को अच्छी तरह से बैठा दिए हैं। अब इस रैम को भी आपको इस तरह से रबड़ में लेकर, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इसको रबड़ की सहायता से इसको अच्छी तरह से घस देना है, इस तरह से इसको अच्छी तरह से घस देना है। इसमें क्या है ना कि दोस्तों, कभी कभी मोचर आ जाता है। इसको अभी साइड पर रखते हैं। अब हम इसको फिट करते हैं अंदर के, इस तरह से इसको फिट कर लेना है। और यहाँ पर सारा केबल हम लगा देते हैं जल्दी से, फिर चालू करके देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं हमारा कंप्यूटर। जैसी जैसी वायर यहाँ पर लगी हुई थी, सब केबल हम यहाँ पर मदरबोर्ड पर लगाना है। दोस्तों, हमने सारा केबल मदरबोर्ड पर जोड़ दिया है। अब हम रैम को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको रैम को फिट करना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, हम देखते हैं इसको चालू करके होता है कि नहीं, अब देखते हैं क्या बताता है हमारा। अब हम यहाँ पर सारा केबल यहाँ पर लगा लेते हैं, ये पावर को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर लिखा आ गया है जेब्रोनिक्स। दोस्तों, इस तरह से आप अपना कंप्यूटर में नो सिग्नल का प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।